गुड मॉर्निंग, हाउ यू ऑल? हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल. सॉरी गाइस, कैन यू सी मी? हेलो 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 हेलो, आई थिंक यू कैन सी मी राइट? एक सेकेंड. Hi guys, hi. I'm so sorry. There was some emergency. Hello, 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 hello. Logical reasoning quiz में आप सबका स्वागत है दोस्तों. So चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को. Logical reasoning quiz को शुरू करते हैं दोस्तों. मेरा नाम कृति नागर है. मैंने अपने BLB लाइव भोपाल कर रखा है. मास्टर्स अपने लिए लगा से कर रखा है. उसके लिए मैं प्लानिंग रहा हूँ सीजन 9 में प्लानिंग 2014. और लॉजिकल रीजनिंग क्विज की आज क्लास है. लास्ट चांस टू विल नेवर बिफोर ऑफर. अगर आप 25% ऑफ चाहते हैं अपने 12 मंथ की क्लास सब्सक्रिप्शन पे तो आपको 25% ऑफ मिल सकता है 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पे. नवंबर 28 से 30 तक वैलिड है ऑफर. नवंबर 30 को एक नया कोर्स शुरू हो रहा है आपके 2024 प्रेपरेशन के लिए. तो अगर आप लेना चाहें तो कर सकते हैं. नो, इट इज नॉट ओपिनियन. देना कभी भी डेफेमेशन नहीं होता बेटा. आप जैसे मेरे को बोल सकते हो मैम आप अच्छा नहीं पढ़ाते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने डेफेमेशन कर दिया है. इट इज नॉट गोइंग टू फॉल अंडर डेफेमेशन बिकॉज that is your opinion. You should not make a comment that lowers your reputation in the eyes of others. वो नहीं होना चाहिए. तो कृति भी कोड यूज हो सकते हैं आप 25% डिस्काउंट के लिए अगर आप चाहें तो. और इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट शाउट है तो 1 ईयर का कोर्स शुरू है नवंबर 30 से. उसमें लीगल रीजनिंग मैं पढ़ा रही हूँ. अगर आप एनरोल करना चाहते हो कर सकते हैं दोस्तों. आपको 1 ईयर में सिलेबस भी कराया जाएगा आपके घर से. नेवर एवर बिफोर ऑफर 45% डिस्काउंट मिल रहा है 1 मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन. 2999 प्राइस है. इसमें आप एडिशनल 10% ऑफ चाहते हैं तो आपको कृति भी कोड यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए अगर आपको मेरी ब्रांड से अच्छा लगता हो तो. हाय गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब? आपके सारे सिलेबस कम्प्लीट कराया जाएगा बाकी टीचर्स के द्वारा. रेज हैंड फीचर रहेगा. लाइव वर्क सॉल्यूशंस मिलेंगे. 40 लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे. 500 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे. मंथली सी और जीके का मेन्यू मिलेगा. तो अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हैं दोस्तों. और आप कृति भी कोड यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए. अच्छा, आप अभी अनअकैडमी मेरी क्लास देख रहे थे, ये भी ठीक है. थैंक यू सो मच अंकित. गुड आफ्टरनून वैष्णवी. आप मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? रैंक बूस्टर क्लैट प्लस 8/23 रिविजन बैच क्लैट 23 आज पेंसिल नवंबर 17 शुरू है. अगर आपसे कोई भी मैंने कॉलेज में रोक सकते हैं. क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम कैसे डिफरेंट है? प्लस से प्लस में आपको मिलते हैं बेस्ट गेटर 3 क्लासेस आई टेस्ट गुरु स्ट्रक्चर कॉस्ट मिलता है. आइकॉनिक में तो मिलते हैं साथ साथ मिलते हैं 1-to-1 अलाइनमेंट लाइट डाउट सॉल्विंग रेज एंड ब्राइटी मिलती है क्लासेस में अगर आप चाहो तो. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 24/15/9/6 का अवेलेबल है. तो अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हैं. 10% डिस्काउंट मिला कृति भी कोड यूज कर सकते हैं. प्लस सेशन 24 मंथ्स 18 मंथ्स 15 मंथ्स 9 मंथ्स 6 मंथ्स 3 मंथ्स 2 मंथ्स और 1 मंथ का भी अवेलेबल है. इसमें भी आप कृति भी कोड यूज कर सकते हैं 10% ऑफ के लिए. अगर बड़े बड़े अपना सेवस कर सकते हैं, मॉक दे सकते हैं और अच्छा रैंक ला सकते हैं. अनअकैडमी लर्नर्स तो अपने इसमें पढ़ रहे हैं, उनके नाम और रैंक यहाँ पे दे रखी है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम और रैंक यहाँ पे आए तो आप भी एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ. अनअकैडमी क्लैट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी क्लैट को. और कोई भी डाउट पूछ सकते हैं. स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है अनअकैडमी. आप इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस के कर सकते हो. पानी से याद आया, मैं बॉटल ही नहीं लाई, बताइए. चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू अमन इतना सोचने के लिए. जी आदित्य, हाय दिग्विजय, कैसे हैं आप? हाय वैष्णवी, हाउ आर यू? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हाय पावनी, लॉन्ग टाइम नो सी. गौरव, ऐसे यही क्वेश्चन है. पैराग्राफ वेस्ट.
चलिए काफी सारे लोगों ने इसका आंसर कर दिया है दोस्तों, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बहुत ही आसान है कंपेयर टू आवर करंट मेथड ऑफ ट्रैकिंग ओवरसीज शिपमेंट्स देन शिपमेंट्स मैन्युअली करने पड़ते हैं वो सब नहीं करना पड़ेगा देयरफॉर इंप्लीमेंटिंग फास्ट ट्रैक विल रिजल्ट इन इमीडिएट सेविंग्स ऑफ बोथ टाइम एंड मनी। तो पैसे ये बोल रहा है कि आपका टाइम और मनी सेव हो जाएगा अगर आप उसे इंप्लीमेंट कर दोगे। मुझे इसे वीकिंग करना है मतलब अभी हम मैनुअल करते हैं, मैनुअल से ऑटोमेटिक पे मत करो आप स्विच, ये मुझे बताना था रीजन। तो डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि मैनुअल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के लोगों एम्प्लॉइज को उसी का एक्सपीरियंस होता है तो वो फास्ट ट्रैक सिस्टम को लर्न नहीं कर पाते। और किसी ऑप्शन के साथ आपको कोई डाउट है तो आई टेक दैट अप गाइस। तो बहुत ही आसान सा था और ए पीपल हु हैव वर्क विद बोथ मैनुअल एंड ग्रेटर डिफिकल्टी फ्रॉम फास्ट ट्रैक टू मैनुअल। पर हम फास्ट ट्रैक टू मैनुअल पे नहीं जा रहे ना, हम तो मैनुअल से फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं। अमन ए कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज ए इज टॉकिंग फास्ट ट्रैक टू मैनुअल, हमें मैनुअल से फास्ट ट्रैक पे जाना है तो ए तो एक्चुअली स्ट्रेंथन कर रहा है, समझ रहे, तो इसलिए ए नहीं हो सकता। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या होगा इसका आंसर, अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन बी एंड सी। चलिए यहाँ, अरे आपका आंसर गलत है, आप सब गलत है दोस्तों, एवरीबॉडी हेलो हेलो हेलो, बी सी वालों आंसर तो डी निकला, बाजी तो किसी और ने ही मार ली है दोस्तों। एडिटोरियल टू क्वालिफाई एज एन इफेक्टिव लॉ एंड आप लोग अजम्पशन के क्वेश्चन हमेशा गलत करते हैं ऐसा ना, मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है आप अजम्पशन में ना ऐसे डगमगा जाते हैं, तो डगमगाया मत करिए। अजम्पशन का क्या मीनिंग होता है, अजम्पशन का मतलब होता है द गैप बिटवीन प्रिमाइस एंड कंक्लूजन, बस वो फाइंड आउट किया करिए आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आई थॉट डी इज द आंसर बट गॉट कंफ्यूज, ओहो देवांग ये बताइए जरा, टू क्वालिफाई एज एन इफेक्टिव लॉ As opposed to merely an impressive declaration, a command must be backed up by an effective enforcement mechanism. अगर आपको एक इफेक्टिव लॉ बनाना है, एक ऐसा लॉ बनाना है जो लोगों पे इफेक्ट लाता है, जो लोगों पे एप्लीकेबल है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मतलब वो डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए कि लॉ आ गया, जैसे एक्स वाई जेड एक्ट आ गया, बस ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का मैकेनिज्म भी अच्छा होना चाहिए। दैट इज वाई सोसाइटीज है पुलिस, और पुलिस क्या काम करती है, पुलिस इसी का काम करती है, इन्फोर्समेंट का काम करती है। पावर ऑफ द पुलिस टू एनफोर्स सोसाइटीज लॉज मेक्स दोज लॉज इफेक्टिव, और जो पुलिस की पावर है उससे वो लॉज में इफेक्टिविज्म आ जाता है, ठीक है। बट देर इज करेंटली नो इंटरनेशनल पुलिस फोर्स, लेकिन करेंटली कोई भी इंटरनेशनल पुलिस फोर्स नहीं है, therefore what is called international law is not effective law. D extreme है पर पैसेज भी तो एक्सट्रीम है। अरे भाई अमन, आई हैव डिस्कस्ड दिस इन क्लासेस एज वेल कि इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि ओनली एंड ये सब मोस्ट आंसर नहीं हो सकते, ये आंसर हो सकते हैं जब पैसेज भी एक्सट्रीम होता है। तो यहाँ पे आपका पैसेज क्या बोल रहा है, पैसेज भी बोल रहा है पुलिस क्या करती है, एनफोर्समेंट करती है, पुलिस क्या करती है? अच्छा चलो ठीक है तुमको एबीसी लगाना, अपन एलिमिनेशन से जाते हैं, लेट अस गो बाय एलिमिनेशन, ठीक है। फिर पहले मैं आपको बता देती हूँ बाकी तीन ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है, देन वी विल गो टू व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। सो पुलिस एनफोर्समेंट, पुलिस जो है एनफोर्समेंट का काम करती है। इंटरनेशनल लॉ में पुलिस नहीं है, इंटरनेशनल लॉ में पुलिस नहीं है तो एनफोर्समेंट नहीं है, इंटरनेशनल लॉ इफेक्टिव लॉ नहीं है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। व्हाट इज द पैसेज सेइंग? द पैसेज इज सेइंग इफेक्टिव लॉ में, इफेक्टिव लॉ में एनफोर्समेंट होना कंपलसरी है ना, ये कह रहा है। सेकेंडली वो ही कह रहा है एनफोर्समेंट कौन करता है? पुलिस करता है। तो फिर उसने कंक्लूड क्या कर दिया? उसने कंक्लूड कर दिया इंटरनेशनल लॉ में पुलिस नहीं है इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है। तो मेरा अजम्पशन क्या है कि एनफोर्समेंट का काम सिर्फ पुलिस ही कर सकती है ना। व्हाट इज द पैसेज? द पैसेज सेज इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट से आता है। देन द पैसेज सेज एनफोर्समेंट पुलिस करती है, पर ये नहीं बताया कि पुलिस के अलावा कोई करता है कि नहीं करता है। बट पैसेज का कंक्लूजन क्या बोल रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में पुलिस नहीं है तो वो एक इफेक्टिव लॉ नहीं है। तो ये गैप था ना मेरा कि भाई क्यों, बाकी 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 चीजें भी तो हो सकती हैं जो उसको एनफोर्स करा दे, पर मैं कंसिडर ही नहीं कर रही। तो आई एम ओनली अज्यूमिंग दैट ओनली इंटरनेशनल पुलिस फोर्स कुड एनफोर्स इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। और इसको निगेट भी कर लो, चलो इसे निगेट करके देखते हैं। लेट अस अप्लाई द निगेशन टेक्निक, लेट अस निगेट इट। ओनली एन इंटरनेशनल फोर्स कैन नॉट इफेक्टिवली एनफोर्स इंटरनेशनल लॉ, देयर कैन बी अदर फोर्सेस एज वेल। अगर उसको पैसेज में लगाते हो तो पैसेज वीकेंड होता है ना। अगर मैं इसको उल्टा करूं, मैं बोलूं कि पुलिस के अलावा और भी मैकेनिज्म है जो उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, तो मेरा पैसेज तो वीकेंड हो गया, क्योंकि मेरा पैसेज क्या बोल रहा है? पुलिस नहीं है इसलिए इंटरनेशनल लॉ इफेक्टिव नहीं है। बट व्हाट इफ वी हैव अदर मैकेनिज्म, तो वीकेंड हो गया, तो ये करेक्ट अजम्पशन है। नाउ लेट्स गो टू ए। नो वन ओबेज कमांड अनलेस मैकेनिज्म एग्जिस्ट टू कंपेल ओबीडियंस। बेटा पैसेज इस पे थोड़ी है कि तुम ओबे करते हो कि नहीं करते हो, पैसेज तो इफेक्टिवनेस पे है, लॉ के इफेक्ट पे है, ओबे पे तो है ही नहीं। बी, इफ एन इंटरनेशनल पुलिस फोर्स वर एस्टैब्लिश। अरे ये तो इन्फरेंस है बेटा, बी एक इन्फरेंस है। बी बोल रहा है कि अगर पुलिस को लेके आ जाओगे तो इंटरनेशनल लॉ इफेक्टिव हो जाएगा, ये तो इफ है। इफ थोड़ी अजम्पशन होता है, अजम्पशन इज द गैप बिटवीन द प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन। बी इज नॉट दैट गैप, बी इज सेइंग कि अगर पुलिस आई तो फिर इंटरनेशनल लॉ इफेक्टिव होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट दिस इज नॉट एन अजम्पशन स्टेटमेंट। अजम्पशन माने मैंने क्या सोच के कोई स्टेटमेंट बोला। जैसे मैंने बोला कि आयशा क्लास में फर्स्ट आती है क्योंकि वो बहुत पढ़ती है, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि पढ़ने वाले बच्चे ही फर्स्ट आते हैं। अगर मैं ये बोलती कि आयशा अगले एग्जाम में भी पढ़ेगी तो फर्स्ट आएगी, ये अजम्पशन हो सकता था क्या? बी तो कॉन्सिक्वेंस है, बी ये बोल रहा है कि अगर पुलिस फोर्स लेके आ जाओगे तो इंटरनेशनल लॉ इफेक्टिव बन जाएगा, है ना। कॉन्सिक्वेंस अजम्पशन नहीं होता बेटा, समझे, इसलिए बी नहीं हो सकता। सी द ओनली डिफरेंस बिटवीन, ओ माय गॉड, द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड द लॉ ऑफ एन इंडिविजुअल सोसाइटी। भाई पैसेज में इन दोनों का कंपैरिजन तो दूर दूर तक था ही नहीं। There was no comparison between individual society ka law or international law. So why will that answer be related to the passage? C bhi nahi ho sakta. Theek hai? Aap samajh mein aaya? D is correct. Premises are those statements that support the conclusion. Chalo, next. Ye sab maine CR ke course mein padha rakha hai. क्रिटिकल रीजनिंग में वो सिमिलर होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग में क्या है वो डिफरेंट होते हैं।
इन्फरेंस माने वो स्टेटमेंट जो इम्प्लाइड उतना ज्यादा नहीं है, मतलब जो कि इतना ज्यादा पैसेज में गिवन नहीं है, पर आप उसको मतलब इनडायरेक्टली इन्फर कर सकते हो. कंक्लूजन जो सीधा सीधा पैसेज में गिवन है. रेंजर जरूरी नहीं है, मतलब डिपेंड करता है, बट मोस्टली यस, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंस होता है. ओनली यहां पे आंसर इसलिए था क्योंकि पैसेज वॉज ऑल्सो एक्सट्रीम. चलिए बताइए. चलिए बताइए इसका आंसर. अगेन अजम्पशन क्वेश्चन है गाइस, गलत मत करिएगा. अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग क्या बोल रहे हो, फिर आप गलत करने पे लगे हुए हो ना. निर्वाण, यस इट्स अ गुड स्कोर एंड डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव इट. जस्ट सी योर वीक पॉइंट्स, फोकस ऑन देम एंड मतलब बट प्रैक्टिस योर स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स एवरी डे, इट विल गो टू 100-105. क्या होगा इसका आंसर? सब गलत करने पे तुले हुए हैं, सब लोग गलत करने पे तुले हुए हैं. इसका आंसर डी होगा बेटा, इसका आंसर डी होगा. दीक्षा वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट. भाई क्यों अजम्पशन वाले क्वेश्चन में हम थर थराते रहते हैं, हुरहुराते रहते हैं, फुरफुराते रहते हैं, क्यों डर जाते हैं हम? लॉजिकली क्यों नहीं सोचते? लॉजिकली सोचो ना, क्वेश्चन क्या है. देखो दो दो चीजें हुई हैं. फ्रॉबिशर नाम का एक बंदा है, 16th सेंचुरी का इंग्लिश एक्सप्लोरर है. उसने कनाडा के कोडलू नार्न आइलैंड से सॉइल के सैंपल मंगाए, उसमें गोल्ड निकला. फ्रॉबिशर एक बंदा है, उस फ्रॉबिशर के नाम के बंदे ने सॉइल सैंपल मंगवाए एक जगह से जिसमें गोल्ड निकला. तो क्वीन एलिजाबेथ को पता चला, क्वीन एलिजाबेथ बड़ी खुश हो गई. उन्होंने बोला कि अरे वाह, यहाँ पे तो गोल्ड है. क्यों नहीं बन रहे हैं क्वेश्चंस? तो अच्छा समझा रही हूँ ना, समझा रही हूँ, फिर बनेंगे, चिंता क्यों करते हो. एक 16th सेंचुरी में स्टडी हुआ, सॉइल सैंपल लाया गया ग्राउंड ए से, मान लेते हैं वहां पे उसमें गोल्ड मिला. क्वीन एलिजाबेथ बड़ी खुश हो गई कि गोल्ड है, तो उन्होंने दो एक्सपेडिशंस भेज दिए. उन एक्सपेडिशंस में ये सॉइल सैंपल जब लाया गया, इसमें गोल्ड नहीं निकला. यहां तक फैक्ट्स क्लियर है? आर यू क्लियर विद द फैक्ट्स? आर यू क्लियर विद द फैक्ट्स? एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है. 16th सेंचुरी में जब इसके ऊपर एक बंदे ने इसका सैंपल उठाया यहां से सॉइल का, इसमें गोल्ड निकलता है. क्वीन एलिजाबेथ भी यहीं से सैंपल निकलवा के लेके जाती हैं, लेकिन उन्हें गोल्ड नहीं मिलता है. ये प्रिमाइस है मेरा, ये प्रिमाइस है ना, अभी कंक्लूजन नहीं आया. अभी तो ये प्रिमाइस है कि हमने दो स्टडीज को कंपेयर किया है. फिर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, डज द मेथड्स यूज्ड टू डिटरमिन द गोल्ड कंटेंट ऑफ फ्रॉबिशर्स samples must have been inaccurate. ठीक है, ये देखो, ये premise, देखो assumption क्या होता है? Assumption वो statement होता है जिसके basis पे आपने एक premise से conclusion draw किया है. एक premise से चार conclusion draw हो सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक ही conclusion draw किया, वो जो आप सोच के draw करते हैं उसको assumption बोलते हैं.
समझ रहे हो ना मेरी बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि कृति के क्वेश्चन पेपर में मार्क्स कम आए क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है? कृति के पेपर में मार्क्स कम आए क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी थी। अब यहाँ पे मेरा अजम्पशन क्या है कि जो पढ़ के मतलब फेल वही होता है जो पढ़ के नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कृति के एग्जाम में मार्क्स कम आए, ये मेरा अजम्पशन है। चलिए, ये मेरा प्रिमाइस है और इसके बहुत सारे कंक्लूजन हो सकते थे। हो सकता है मैंने पढ़ाई ना करी हो सकता है मैं बीमार थी, हो सकता है कि मेरे घर में कोई बीमार था, हो सकता है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, हो सकता है कि मैंने गलत पेपर के लिए पढ़ लिया था, है ना? पांच छह कंक्लूजन निकल सकते थे ना? हाँ या ना तो बोलो। तुम्हें पढ़ा रही हूं भाई, लेकिन मैंने कौन सा वाला कंक्लूजन सही कंक्लूजन चुना? मैंने चुना कि मैं पढ़ाई नहीं करी थी इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। तो मेरा अजम्पशन क्या है? मेरा अजम्पशन ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ जो लोग पढ़ाई नहीं करते उन्हीं के मार्क्स आते हैं। तभी तो मैंने ये सब कुछ मना कर दिया कि ये सारे रीजन नहीं हो सकते भाई। अब आर यू क्लियर व्हाट इज एन अजम्पशन? An assumption is a statement that you think before making one particular conclusion flowing from a premise, even if that premise could have hundreds of conclusion. Now, are we clear? So now, what is the premise here? The premise is कि soil का sample लिया गया। एक बंदे ने सॉइल का सैंपल लिया तो गोल्ड निकला, दूसरे बंदे ने सॉइल का सैंपल लिया तो गोल्ड नहीं निकला। अब इसके बहुत सारे कंक्लूजन हो सकते हैं। देयर कुड बी टू मेनी रीजंस। उस टाइम पे वहां गोल्ड था, बाद में वहां गोल्ड नहीं था, पहले वहां पे कुछ जानवर रहते थे जिनकी वजह से गोल्ड था, वो गोल्ड मुंह में लेके आ गए थे, वो फिर वो प्रोबिशर उठा के लेके चला गया और कोई जानवर नहीं लेके आया था। बहुत सारे इसके कंक्लूजन हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि एक को गोल्ड मिला एक को गोल्ड नहीं मिला। लेकिन मैं क्या बोल रही हूं कि देयर इज ओनली वन कंक्लूजन, सिर्फ एक ही कंक्लूजन है। वो कंक्लूजन ये है कि मुझे गोल्ड की मतलब एलिजाबेथ को गोल्ड इसलिए नहीं मिला क्योंकि फ्रॉबिशर का सैंपल जो वो लेके गया था वो इनएक्यूरेट था, उसका तरीका गलत था, है ना? तो अब मेरे को इसका अजम्पशन फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, ए गोल्ड कंटेंट आज लोअर है तो एलिजाबेथ को क्यों नहीं मिला? लोअर का मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लोअर मतलब कम है तो क्यों नहीं मिला? तो ए नहीं हो सकता। बी, द टू माइनिंग एक्सपेडिशंस फंडेड बाय एलिजाबेथ वन डिड नॉट माइन द सेम पार्ट। तो डिड नॉट माइन द सेम पार्ट से ये अजम्पशन कैसे प्रूव हो रहा है कि उसका मेथड सही नहीं है? ये तो बोल रहा है कि पार्ट अलग था तो ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा ना अगर पार्ट अलग था तो सैंपल से क्या लेना देना? बी नहीं हो सकता। सी, द मेथड्स यूज्ड टू असेस गोल्ड कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल्स प्रोवाइडेड बाय फ्रॉबिशर वर डिफरेंट फ्रॉम दोस जनरली यूज्ड इन द 16th सेंचुरी। उसका मेथड डिफरेंट था, ठीक है, लेकिन ये अजम्पशन कैसे हो सकता है? ये तो पैसेज भी बोल रहा है कि उसका मेथड इनएक्यूरेट था। हाउ कुड दिस बी एन अजम्पशन? डी, गोल्ड वॉज नॉट एडेड टू द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय फ्रॉबिशर बिफोर द सैंपल वॉज examined। मैंने क्या बोला? फ्रॉबिशर को गोल्ड मिला तो उसका मेथड inaccurate है। तो मैं क्या अज्यूम कर रही हूं? मैं अज्यूम कर रही हूं कि ऐसा नहीं था कि किसी ने उस पर प्रैंक किया है कि पहले से वहीं पे गोल्ड रखा है और बोलो कि अरे तू सैंपल ला, वो सैंपल आया उसे गोल्ड मिल गया। मतलब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि उसके मेथड में प्रॉब्लम था, उसके सैंपल जो वो उठा के लाया उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? समझे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग व्हाई इज डी द करेक्ट ऑप्शन? बिकॉज डी इज टेलिंग मी कि जो स्टडी कराई गई है उसमें सैंपल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया है कि मैंने क्या कंक्लूड किया है? मैंने कंक्लूड किया है कि मेथड इनएक्यूरेट है। पर ये भी तो हो सकता है कि सैंपल इनएक्यूरेट हो, बट आई एम नॉट अज्यूमिंग दैट। सो व्हाट एम आई अज्यूमिंग?
दैट सैंपल में कोई दिक्कत नहीं थी भाई, मेथड में ही दिक्कत थी। तो यहां पे भी तो चार पांच कंक्लूजन निकाले जा सकते थे। अब समझ रहे हो तुम, अब आर यू गेटिंग व्हाट इज अजम्पशन? तो यहाँ पे अरे हाँ, are you getting? So यहाँ पे there was a study conducted, एक फ्रॉबिशर ने करी और एक क्वीन एलिजाबेथ ने करी। इसको गोल्ड मिला, इसको गोल्ड नहीं मिला। तो इसके बहुत सारे कंक्लूजन हो सकते थे। पहला हो सकता था सैंपल में कुछ गड़बड़ है, दूसरा हो सकता था मेथड में कुछ गड़बड़ है, तीसरा हो सकता था कि कोई एनिमल था जिसको कहीं पड़ा हुआ गोल्ड मिल गया था, वो लेके आ गया तो उसने वहीं ड्रॉप कर दिया। चौथा हो सकता था कि विंड की वजह से सिर्फ फ्रॉबिशर के पास गोल्ड के सैंपल आ पाए, बाद में विंड की वजह से इरोड हो गया वो वाला सॉइल, है ना। चार पांच कंक्लूजन हो सकते थे इसके, पर मैंने कौन सा कंक्लूजन कंसिडर किया कि सिर्फ और सिर्फ मेथड में प्रॉब्लम है। मतलब मैं क्या अज्यूम कर रही हूं कि ये सब पॉसिबल नहीं था। तो डेज करेक्ट कि गोल्ड सॉइल सैंपल में ऐड नहीं किया गया था पहले से। मैं ये अज्यूम कर रही हूं क्योंकि मैंने एक ही चीज कंक्लूड करी कि इट वॉज ओनली द मेथड दैट वॉज इनएक्यूरेट। आई होप अब हम क्लियर है अजम्पशन क्या होता है और अब हम ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। मिसेज लॉस का कोर्स चल रहा है दिमाग, आप उससे कर सकते हो कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बताइए। अच्छा स्कोर है हर्ष, थोड़ा सा आप और बढ़ा सकते हो 10-15 मार्क्स। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मुझे वीकेंड करना है, मुझे पैसेज को वीकेंड करना है, डिस्काउंट करना है उसका दिया गया एविडेंस। हेलो श्रेया, कैसी हैं आप? काफी सारे मिक्स आंसर्स आते हुए, क्या पैसेज है, क्या पैसेज है? अच्छा बताओ क्या पैसेज है। पैसेज ये बोल रहा है, परकिंस नाम का एक बंदा है, वो ये बोलता है कि मैमथ का एक्सटिंक्शन हो गया नॉर्थ अमेरिका में, मैमथ का एक्सटिंक्शन हो गया जब वहां पे 12,000 साल पहले ह्यूमंस आए। तो स्टडी कहती है कि ह्यूमंस की वजह से मैमथ का एक्सटिंक्शन हो गया। बोलता है तो परकिंस बोलता है मैं ये बिलीव नहीं करता, आई डोंट बिलीव दिस, क्योंकि वो जो लोग थे ह्यूमंस थे उनके पास एक स्पीयर होता था, भाला होता था जिससे वो हंटिंग करते थे। इन जानवरों में वो भाला नहीं मिला है तो उसने तो इन लोगों ने जानवर को नहीं मारा। इसे वीकेंड करो बेटा,
इस पॉइंट को वीकन करो, परकिंस के पॉइंट को वीकन करो। गाइस यार ये तो मतलब ये तो ना 5 साल का बच्चा भी बता सकता है, अब ये ज्यादा हो रहा है आप लोगों का। बहुत ही कॉमन सेंस है ये तो। अरे डाइट की कहां से बात हो गई, पागल हो गए हो क्या? बी क्यों लगा रहे हो, बी क्यों आंसर लगा रहे हो? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? कंडीशन इन नॉर्थ अमेरिका 12,000 इयर्स अगो वाज सच दैट ह्यूमंस कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड देयर ऑन अ डाइट। अरे पॉइंट ये है कि मैमथ कैसे एक्सटिंक्ट हो गए, ह्यूमंस रहे उससे पॉइंट ही नहीं है पैसेज का। पैसेज डज नॉट केटर टू एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमंस, पैसेज टॉक्स अबाउट एक्सटिंक्शन ऑफ द मैमथ। हाँ तो सी बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता ना, सी कैसे लगा रहे हो? अरे हाँ भैया सी, सी भाई सी, सी क्यों लगा रहे हो? मेरा तो यही पॉइंट है, आपको पूरा पैसेज भी एक्सप्लेन कर दिया यार। ये तो मतलब आप, ये तो मतलब दिस इज आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ए एट साइट्स वेयर मैमथ बोन्स हैव बीन अनअर्थ्ड, बोन्स ऑफ अदर मैमथ्स हैव रेयरली बीन फाउंड। इससे ये पॉइंट कैसे वीकन हो रहा है कि ह्यूमंस ने मैमथ को नहीं मारा, वहां दूसरे जानवर नहीं मिले, इसका अचार डालना था तुमको। एक साइट जहां पे आपको मैमथ की बोन्स मिली है वहां पे दूसरे जानवर नहीं मिले, इससे ये वीकन हो गया कि मैमथ को ह्यूमंस ने नहीं मारा है। लिटरली अब तो आ गया होगा आंसर समझ। अभिमन्यु सीरियसली भाई, केव पेंटिंग्स तेरे को वहां पे जाके एक्सपेडिशन करना है, हैं? तेरे को वहां पे जाके पेंटिंगें देखनी है? डी कैसे हो सकता है? बी इज करेक्ट कि भाई बी ऑप्शन ये बोल रहा है लोगों ने ही मारा है, पर वो अपना स्पीयर निकाल के लेके चले गए क्योंकि इट वॉज डिफिकल्ट टू मेक वन। उन्होंने मैमथ को मारा, स्पीयर निकाला और आगे बढ़ गए। तो बी ऑप्शन ही बोल रहा है कि ह्यूमंस ने ही एक्सटेंक्ट किया है। वीकन हो गया ना पैसेज, पैसेज बोल रहा है ह्यूमंस ने एक्सटेंक्ट नहीं किया क्योंकि उनमें भाला नहीं मिला। बी एक्सप्लेन कर रहा है कि भाला नहीं मिला क्योंकि ह्यूमंस अपने साथ ले गए, ह्यूमंस ने ही मार डाला, समझे? तो बी इज करेक्ट। हाँ आपको ये बताना था कि परकिंस की थ्योरी गलत है, परकिंस की थ्योरी ये थी कि ह्यूमंस ने मारा है। गाइस या व्हाट यू डू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट वैष्णवी, आयशा करेक्ट। अनोनिमस आई टुक अ ड्रॉप, मैंने 12th के साथ भी दिया था, तब मैंने 2 months की प्रिपरेशन करी थी तो मेरे उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, मेरी 1000 रैंक आई थी, तो मेरे को NLU उड़ीसा मिल रहा था पर मुझे जाना नहीं था, तो फिर आई टुक अ ड्रॉप एंड देन प्रिपेयर्ड फॉर अ ईयर।
थैंक यू एनोनिमस मीन्स अ लॉट टू मी। चलिए काफी सारे लोग ए बोल रहे हैं, एक आदमी ने सी बोला है। सार्टोर इज अ बेटर मूवी रिव्यूअर देन केली। केली से अच्छा रिव्यूअर सार्टोर है। मूवी रिव्यू हेल्प करना चाहिए रीडर्स को ये डिटरमाइन करने में कि भाई मूवी इंजॉय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको मूवी इंजॉय आप कर सकते हो तो ये आप तब रियलाइज कर पाओगे जब सार्टोर का दिखाया हुआ रिव्यू है और केली का रिव्यू नहीं है। सार्टोर जो है अनफेवरेबल रिव्यू और वैसे भी ज्यादा ही देता है, इसको मुझे और स्ट्रेंथन करना है। आप सब गलत शलत गलत गलत। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, सी बिल्कुल सही जवाब। सार्टोर एक बेटर रिव्यूअर है, ठीक है। सार्टोर रिव्यू बेहतर करता है केली से, क्यों भाई? क्योंकि मूवी रिव्यू से आपको पता चलना चाहिए कि मूवी आप इंजॉय करने लायक है कि नहीं है, आपके द्वारा इंजॉय करने लायक है या नहीं है, और ये हमेशा सार्टोर लिखता है। सार्टोर ऐसी मूवीज के बारे में बात करता है जिसको आप ज्यादा इंजॉय कर सकते हो। सार्टोर इवन दो अनफेवरेबल रिव्यू ज्यादा देता है, अनफेवरेबल रिव्यू देता है, पर वो उन मूवीज के बारे में मतलब वो आपको बेटर बता सकता है कि आप मूवी इंजॉय करोगे या नहीं करोगे, तो सार्टोर का रिव्यू बेटर है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया स्ट्रेंथन करने की, हाँ भाई सार्टोर का रिव्यू बेटर है। ए सार्टोर को टेक्निकल नॉलेज है। तुम्हें टेक्निकल नॉलेज से कुछ लेना देना होता है, तुम मूवी देखना चाहते हो तो तुम ये देखते हो कि टेक्निकली करेक्ट है कि नहीं है, हैं? चार मंजिला से क्यों गिराया, 12 से क्यों नहीं गिराया, टेक्निकल नॉलेज का कुछ नहीं होता फिल्म से रिलेशन। मोस्ट ऑफ केलीज मूवी रिव्यूज आर अनफेवरेबल टू द मूवी बीइंग रिव्यूड। केली के मूवी रिव्यूज अनफेवरेबल होते हैं उस मूवी को, लेकिन बेटा ये तो पैसेज में गिवन है कि केली फेवरेबल रिव्यूज देता है ज्यादा, अनफेवरेबल कम देता है, तो बी तो नहीं हो सकता, बी तो उल्टा बोल रहा है। सी वन हु इज एप्ट नॉट टू एंजॉय अ पर्टिकुलर मूवी इज मोर लाइकली टू रियलाइज दिस बाय रीडिंग अ रिव्यू बाय सार्टोर। सी लिटरली व्हाट इज गिवन इन द पैसेज वही बोल रहा है कि सार्टोर ने जो बोला है उसको पढ़ के रियलाइज कर सकते हो कि मूवी जाना है कि नहीं जाना है ना, तो पैसेज भी यही बोल रहा था, तो सी करेक्ट है। D, reading a movie review by Sartor will usually help one to enjoy the movie more. Reading a movie review, अच्छा movie review read करने से ही आप movie को enjoy कर लोगे। Shreya concept classes, GMAT से practice and your mocks उसको analyze करना, critical reasoning specifically अच्छे से time देके, your CR will improve definitely. ठीक है, तो यहाँ पे डी भी आंसर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू एट 3 PM एंड देन एट 7 PM एंड देन एट 8:30। थैंक यू सो मच एंड टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।